तैयार श्यार होके वृंदावन वृंदावन जा रहे हैं जा रहे और हैं। हमारी वो भी जा रही है। कौन है ये? देखो दिखाओ, बताओ कौन है ये, मिलाओ ये इनसे। दुनिया के पालनहार हैं, अच्छा, इनके नाम बताइए। राधा रानी, गोपाल जी। अच्छा, तो ये गोपाल जी हैं और ये इनकी राधा रानी है। मैं नॉर्मल बोला कर। आपको तो पता ही है कि हम कहाँ जा रहे हैं। दिखा अपना फुल फुल गेटअप। ओह हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय वीडियो। और ये है नेहा चौधरी व्लॉग और आप है नेहा चौधरी व्लॉग्स में और मैं हूँ नेहा चौधरी। और आज हम जा रहे हैं वृंदावन और ये होने वाला है वृंदावन व्लॉग। थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा। तो फिर हम कौन कौन जा रहे हैं? अपने अम्मा जी से मिले आप, अम्मा जी जा रही हैं। लड्डू जी से मिले आप, लड्डू जी जा रहे हैं। राधा रानी से मिले आप, राधा रानी भी जा रही हैं। और हम सब जा रहे हैं हर्ष के साथ। हम निकल रहे हैं, चलो वृंदावन। गाइस कितने आराम से बैठे हैं अम्मा जी की गोदी में, गोपाल जी और राधा रानी। अम्मा ऐसे क्यों मुंह कर कवर कर रखा था? वो लगे बदबू आमते, बदबू परफ्यूम में तो बदबू भाई। अम्मा पहले देखिए, हमने जने परफ्यूम में तो बदबू लगे में आपका स्वागत है। मेरो वृंदावन देख लो, वृंदावन आएगा तुम्हारा। हम वृंदावन पहुंच तो गए हैं लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा ही जाम लगा हुआ है। कभी भी आ जाओ वृंदावन, किसी भी टाइम आ जाओ, तुम्हें ट्रैफिक तो मिलेगा ही मिलेगा। आगे दिखाइयो ट्रैफिक, दिखा ट्रैफिक तो बोल गया जाम ट्रैफिक। तो गाइस देखते हैं कब तक हमें बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं। स्टे ट्यून गाइस, थोड़ा सा ट्रैफिक खुला है, देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। 6 तो बज गए हैं, हम घर से कितने बजे निकले थे? ट्रैक्टर वाले लेडी जो पीछे है, 3 बजे। दिखावा दिखाइए कैसे हो, शक्ल दिखा। 3 बजे निकलेंगे, नहीं वो नहीं दिखेगा। एक्चुअली हम पार्किंग में पहुंचे, यहाँ से थोड़ी गलियों में से निकल कर फिर हम मंदिर पहुंच जाएंगे। चलो लेट्स गो। अब साधन है तेज जुले। अम्मा ठीक हो? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है वृंदावन आके? बहुत बढ़िया। राधे राधे। राधे राधे। और भाई साहब ठीक हैं आप? मन गेट ने लगाया लगा दे अच्छी तरह। ये बताइए ठीक है? ठीक है आप? इधर देख। हाँ ठीक है आप? क्या हुआ? पैसा चाहिए मुझे। ओह माय गॉड, हरे कृष्णा, राधे राधे। तुझे पैसा चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है तो टेम्पू चलाना शुरू कर, मंदिर में जाएंगे इसमें, ई रिक्शा में जो कि चला रहा है। गाइस हमने ना अपने चश्मे उतार लिए हैं क्योंकि यहाँ के बंदर ना चश्मे छीन लेते हैं, तो इसलिए हमने अपने चश्मे। ये देखिए हर्ष। तो गाइस एंटर होते ही हमारे चेहरों पे लगा दिए गए हैं तिलक। राधे राधे। ये जैसा राधा रानी का है ना, आंखें और तिलक और बाल और लड्डू। हाँ, और लड्डू नहीं क्या? मैच में कर देंगे। हां समझ गए, करवा लेना दर्शन तक। तो रख दे, दे 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 रख लो। ओ भैया राधे राधे राधे। तो हर्ष यहाँ से प्रसाद ले रहा है। ये मंदिर के बाहर की गलियां हैं और वो सामने मंदिर है। और गाइस देखिए कितनी भीड़ है, इतनी आसानी से दर्शन नहीं मिलने वाले। फाइनली हम मंदिर में एंटर हो चुके हैं और यहाँ बहुत भीड़ है लेकिन दर्शन बहुत आसानी से हो रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे से हो रहे हैं। और वो देखिए सामने बांके बिहारी जी। प्रसाद पकड़ी हो गई। तो गाइस मेरे भी हो गए। और वृंदावन की सबसे खास बात यही है कि इतनी भीड़ के बाद बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। गाइस प्रसाद नहीं गई? हाँ तुम
और यहाँ अम्मा अपने लिए तुलसी माला खरीद रही हैं। दुकान वाला दे रहा है 70 रुपये में, लेकिन अम्मा 50 रुपये में लेके रहेंगी। देखते हैं अम्मा को माला मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। और ये दोनों परेशान हो रहे हैं। ये क्या था? मैंने तो क्या ही वो कह रही कि तू मुंह उठा ले ऊपर, तो फिर यार मैं चुप रहा था, कुछ ना कही। फिर वो कह रही अगर मैं होती तेरी जगह तो मैं तो उठा लेती, मैंने क्यों उठा ले। तो इन दोनों को वृंदावन में भी मोमोज चाहिए। आगे बताओ कैसे वृंदावन के मोमोज कैसे? अच्छा। और गाइस ये यहाँ पे प्रसाद बट रहा था, मैंने भी ले लिया, टेस्टी था। जो अपने गोपाल जी को लेके आए थे वो मेकअप कराने के लिए लेके आए थे। मेन हमारा मोटिव उनको मेकअप कराने के लिए लेके आना था। तो उनका जितने वहाँ मेकअप हो रहा है, हम यहाँ इतने खाना खाने के लिए बैठे। कीर्ति और अम्मा भी आ रहे हो, थोड़ा पीछे रख रहे, देखिए पीछे से पीछे से कीर्ति और अम्मा भी आ गए। अब यहाँ हम एक शॉप पर बैठे हैं, इतने हम कुछ खाने के लिए खा रहे हैं। ठीक है, अम्मा यहाँ बैठ गई। अम्मा ने अपने लिए मंगाई है टिक्की, खाओ। हम तो खा लेंगे, मन नहीं आ रहा, तुम खाओ। कैसा? ठीक है, जा जाओ। कैसा अम्मा? सही है। और तो गाइस मैंने अपने लिए मंगवाया है डोसा, और मेरे डोसे में से हर्ष कर रहा है टेस्ट। ये डोसे के साथ आलू की सब्जी दी है ना यार, मेरा डोसा मुझे तो दे दो। ये कर रहा, तू यार छोड़ दे, तू ले ले, ये कर रहा, तू ले तू ले। श्रृंगार हो गया है, देखो कितने कितने अब बहू रानी के टक्कर के लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी, हमारे दर्शन हो गए अच्छे से, और लड्डू का अच्छे से श्रृंगार भी हो चुका है। और अब हम जा रहे हैं पार्किंग में, जो हमारी कार पार्किंग में है, फिर वहां से हम जाएंगे घर। और हमें ई रिक्शा, हर्ष नहीं चला रहा है, ई रिक्शा वाला ही चला रहा है। यहाँ पे पकड़ कर क्या हुआ कीर्ति? बार बार ऐसे हाथों से मतलब मचल रहे आ रहे हैं, लेकिन पकड़ रखे, पर फिर भी मतलब कि अभी मेरे तो हार्ट बीट इतनी तेज होगी, तो मैं ऐसे हाथों से ऐसे हुए। कहाँ जाना है आपको बता दो। अरे वृंदावन घुमा ला, अगली बार बरसाना घुमा लेंगे। अब घर चलो, चलो चलो बैठो। तो गाइज अब हम जा रहे हैं वृंदावन से। बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। अब देखो गाइज अब हम कब आते हैं, कब बुलाते हैं हमें बांके बिहारी जी। तो गाइस अब हम यहाँ खाना खाने आए हैं। अम्मा कह रही मेरा खत्ता ही मन ना, वो तनसी से फ्रूटी के दीजियो। तू क्या खाएगी? तू भी आगत खाएगी बक्का ये तो ऐसा कर दे 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 उस तो बात। तो गाइस ये देखिए हमने मंगाया है पालक पनीर, और क्या है ये, चना मसाला एंड नान। कीर्ति भी खा रही है, अम्मा भी खा रही है, हर्ष नहीं खा रहा। हर्ष क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों नहीं खा रहा? सैड क्यों? मम्मी घर पर अकेली है। ओ मम्मा का परा। ओ माँ का मगरमच्छ से कल कही अपनी मम्मी घर पर अकेली, इसलिए नहीं खा रहा तू। ओ देख रही है मम्मा का मगरमच्छ। भूखी ना लग रही हूँ मैं, बता मम्मी ने दिया था अपनी गैल। हाँ हम भाई देख लो, तुम्हारा का भरोसा ना हो रहा हो तो खा लिया मेरी प्लेट पूरी। तो गाइस यहाँ हमने खाना खाया है ग्रैंड प्रकाश, बेकार खाना था, मत आना गाइस प्लीज। यहाँ ये पलवल रोड पे, कौन सा रोड है ये? पलवल वाला रोड है, यहाँ बिल्कुल भी मत आना। पता नहीं हर्ष क्यों लेके आया ये,
फिर हम एक ही चीज करते हैं, सौ फुट और हमने उससे ना वो भी मतलब जो खाना मंगाया था पालक पनीर चना मसाला और रोटी, और हमने उससे मंगवाया था वो रायता भी, बंदे ने रायता ला के नहीं दिया, हमने आधा खाना खा चुके थे तब हमने उसे याद दिलाया, तब कह रहा ओ सॉरी अब बुला, तो मैंने कहा मतला रहन दे ठीक है, तो ये बेकार था, कोई बात नहीं। और गाइज अब मैं अपने व्लॉग का एंड भी यहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अब रात के कितने बज रहे हैं, 10:30 या 11 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं, और मुझे ये व्लॉग एडिट भी करना है, डालना भी है, तो बहुत मेहनत लगती है गाइज, तो इसलिए मैं इस व्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट ऑल्सो। मिलते हैं कल।